लो भाई सुनो सुनो, एग्जॉस्ट नोट सुनो, क्या सुनना है सुनो। चलो लो 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 लो, आज संडे है और हमको घर से निकलना था सुबह 5 बजे। रात को सारे अलार्म लगा दिया, 3 से 4 बार अलार्म लग गया पर आँख नहीं खुली, मोबाइल की बैटरी भी लो हो गई और निकलते निकलते 5:30 हो गए। और हमेशा मुझे लगता था मैं लेट करूँगा और मैंने ही लेट किया, दैट्स गुड। यहाँ से निकलते हैं, लोग पहले भड़के हुए हैं। मैं आपको टैंक बैग को लगाता हूँ और आपको मिलता हूँ मोटोलिंग सेटअप पर। सो भाई बड़ा ही लेट हो गया यार, ये हो गई गाड़ी स्टार्ट, चलते आगे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है देख, मैंने ना 5 बजे का टाइम दिया था विनायक को, विनायक बोला था 6 बजे निकलूँ, 5 का टाइम रख, 5:30 तो घर से घर से निकलते निकलते हो जाएगा। और मुझे पता था 5:30 बजाने वाला बंदा भी मैं हूँ, क्योंकि अगर अभिषेक ने बोल दिया शायद कोई लेट होना हो तू लेट होने वाला है, वो अभिषेक ने बोला था वैसे ही हुआ। कोई बात नहीं, अभी गाड़ी को अच्छे खासा कवर करके 6 बजे तक पहुँच जाएंगे हम लोग दही सर चेक नाका। अरे विनायक को तो आने देते, हम लोग ने हाईवे पकड़ ही लिया। बट एक तो पहले ही मैं बोला था सबको, सबको मैंने अप्रोच किया कि 5 बजे कैसे भी करके निकलना है, रोड पे पहुंच जाना, गाड़ी तक निकलना है कैसे भी करके। और जब मेरी आँख खुलती है तब देख रहा हूँ मैं कि 5:28 हो रहा है, जयेश का फ़ोन आ रहा है, विनायक के 4 मिस कॉल होके जा चुके हैं और मेरे फ़ोन की बैटरी ओनली 1% दिखा रही है। मेरा फ़ोन चला गया था एक्चुअली कल रात को वाइब्रेशन मोड पे, और इसलिए मेरा अलार्म नहीं बज पाया और यहाँ कांड हो गया। कोई बात नहीं, देर से आए दुरुस्त आए, हाईवे हमारा है, रास्ता खाली है, गाड़ी हमारी नई है तो परफॉर्मेंस तो ज़रूर देगी। अभिषेक के पास जाना है, अभिषेक मिलने वाला है दही से चेक नाके पे, वहाँ जाके अभिषेक से मिलते हैं, फिर शिवम से मिलेंगे जो मिलने वाला है वैसे ही में। टोटल 6 गाड़ी आज रहने वाली है हमारे साथ में, 6 राइडर्स हैं हमारे पास। क्या बताऊँ यहाँ पर क्या नज़ारा हो रहा है, यहाँ पर सनराइज़ होने वाला है और पूरा लाल 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 हो गया है पूरा क्लाउड, और ठंड इतनी बढ़ गई है क्या ग्लव्स पहनने के बाद भी एहसास नहीं हो रहा है कि हमने कुछ पहना है। अंदर से हाथ पूरे फ्रीज हो चुके हैं, दोनों हाथ फ्रीज हो चुके हैं, अंदर बदन में कपकपी भी चढ़ गई है भैया। ओ अभी तक के सारे रास्ते बढ़िया चल रहे थे, बड़ा नहीं यहाँ पर आके क्या हो गया, यहाँ पर बहुत सारे ट्रक्स होने की वजह से ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है, और ट्रक ड्राइवर भी ऐसे है कि साले जहाँ जहाँ कोना कोना मिल रहा है बस सिर्फ घुसाने से सिर्फ घुसाते जा रहे हैं, देख नहीं रहे भाई गाड़ी पीछे आ रही है नहीं आ रही है, इन्हें तो बस गाड़ी घुसाने से मतलब है। ये देखो इमरजेंसी इंडिकेटर देंगे सीधा गाड़ी घुसाएंगे, हो गया इनका काम भारी। ये लो ये लो, ए भैया क्या कर रहे हो भैया, ए भैया चलत चलो चलत चलो। ओ यहाँ खड़ा है शिवम, क्या बोलते हो शिवम, आगे ना आगे पब्लिक आगे, इधर ही है। अबे ये कहाँ आ गया बस वाला बीच में, उन लोग का हाथ दिखा निकल जाएंगे उन लोग जर में। गाड़ी का लाइनअप दिखा रहा हूँ बस, हिमालयन 411 और हंटर 350, शिवम जोया, ओके जोया और शिवम की हंटर 350, विनायक की KTM 390 और इन दोनों का इंट्रोडक्शन हो गया है, और मेरी ट्राइम 400 स्पीड। ट्विस्ट ये आ गया है कि मैं पहले लेने वाला था हंटर 350 और फिर आप सभी को पता है हंटर 350 लेने से पहले मतलब ट्रैम्प लेने से पहले मैं हंटर 350 का टेस्ट राइड के लिए निकला था घर से, पर पता नहीं दिमाग में क्या आया ऐसा और हम स्विच हो गए ट्रैम्प 400 स्पीड पे। पर जो भी चूज़ किया है बहुत ही मस्त चूज़ किया, गाड़ी का लाइनअप पहले से ज़्यादा काफ़ी सुधर चुका है, छोटी गाड़ी अभी कोई भी नहीं है, सारी बड़ी गाड़ियाँ हैं हमारे पास। हमने माउंटेन है ना जो पूरे ढक चुके हैं फॉग के अंदर, और मेरे अंदर एकदम कपकपी चढ़ गई है भैया, गाड़ी चलाऊँ या बॉडी गर्म करूँ। हाँ हाँ पर ब्यूटीफुल सनराइज़ हो रहा है, इतना ही क्लीन मज़ेदार रोड दिख रहा है क्या बताऊँ, पूरा फॉग से पूरा माउंटेन ढका हुआ है,
अलग ही फील आ रहा है यार, अलग ही फील आ रहा है। अभी यहाँ पर हमको देखने मिल गया सनराइज, जो कि बहुत ही उम्दा लग रहा है। पूरा गोल मटोल, गोलम गोल, लालम लाले, लाले 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 लाले। हमारे साथ और भी बहुत सारे राइडर्स हैं जो सेम डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। अहूरा अहूरा अहूरा। यहाँ पर आ गया एक और टोल प्लाजा। कौन सा है, कौन सा टोल है, कौन सा टोल है, पता नहीं कौन सा टोल है, बट दहीसा टोल नाके के बाद ये वाला टोल नाका मिला। अब हमें तलाश है एक चाय की टपरी की, जो हम गर्मा गर्म चाय पी के अपने आप को अंदर से गर्म करना चाहते हैं। यहाँ पर बाइक से, बाइक से भाई विनायक आगे निकल गया, आ गया आ गया। हाँ हाँ, अभी अभी प्रॉपर, हाँ अभी अभी प्रॉपर लग रहा है। चलो भाई थोड़ा यहाँ पे गाड़ी देखते हैं कैसी है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, जो गाड़ी हम अभी अहूरा में देखने वाले हैं उसका कुछ अलग ही लेवल रहेगा। कावासाकी Z900 पर बहुत सारी गाड़ी का लाइनअप है, और इस लाइनअप के साथ में हमको बहुत जोर से लगी थी सुसुर। आगे चलते हैं, राइड को स्टार्ट करते हैं, हमारी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। चाय ब्रेक ख़त्म, आगे की राइड करते हैं स्टार्ट। प्रॉब्लम ये है साला गोप्रो का, थोड़ा सा थोड़ा चार्जिंग जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज आती है, बट कोई नहीं, हमारे पास पावर बैंक है, हम उससे काम चला रहे हैं अपना। गाड़ी का साउंड देखता हूँ आता है क्या, एग्जॉस्ट नोट आता है क्या हमारी गाड़ी का। नॉट बैड, अच्छी खासी हमारा भी एग्जॉस्ट है गाड़ी का। जैसे जैसे हम लोग और आगे आगे बढ़ रहे हैं ना, ठंडी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, टोटली हाथ फ्रीज़ हो गया। मैं कब से GoPro को ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ इस ग्लव्स के साथ में, बट अंदर से इतने फ्रीज़ हो चुके हैं हाथ के, बटन भी प्रेस नहीं हो रहा है प्रॉपर। हम लोगों ने, अभिषेक ने और मैंने लास्ट राइड जो की थी वांद्री लेक की थी, और उसके पहले भी एक और राइड की थी हमने साथ में, तामिनी घाट के लिए राइड किया था। तो उस वक्त मेरे पास प्लैटिना थी, इनके पास हिमालयन थी, और उस वक्त हमारे साथ में RK भी थे, तो वो राइड में भी बहुत ज़्यादा काफ़ी हम लोगों ने इन्जॉय किया था। बट मैं वो राइड को कभी नहीं भूलूँगा जो मैंने अपने प्लैटिना पे जो शुरुआत की थी उस राइड को, महाबलेश्वर के लिए जो मैं फ़र्स्ट राइड पे गया था लॉन्ग राइड को लेके महाबलेश्वर पे, अपनी वाइफ को भी ले गया था, और उस टाइम पे काफ़ी तूफ़ानी बारिश थी, पूरी बारिश में राइड करते हुए गए हम लोग, और ऊपर जाने के बाद ठंड में हम लोग सुकड़ चुके थे। और ये रहा अभिषेक, आगे हमारे जयेश, और उसके आगे हम मिलाएंगे आपको विनायक से, शिवम से। ये जमिया, और ये आ गया हमारा विनायक। बैक टू नॉर्मल, बैक टू रूट। मज़ा आ गया भैया, मज़ा मज़ा मज़ा। थोड़ा सा ऑफ रोड पे भी चला, गाड़ी को यूज़ टू करना पड़ेगा, लाइफ में ऑफ रोड पैच भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतना ऑफ रोड नहीं चाहिए रे भैया, थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग ठीक था, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ओ तेरी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हमारे आजू बाजू में चल रही है भैया, हमारी तो फट रही है। तो अभी हो गए हैं 8:50 और पहुंच गए हम फाइनली चारोटी टोल प्लाजा। जब हम लोग गुजरात राइड जा रहे थे, मैं और विनायक जब स्टैचू ऑफ यूनिटी की राइड कर रहे थे, तो हमारा पहला हॉल्ट यही था, हमने चारोटी में पहला हॉल्ट लिया था, और बाकी सब बढ़िया है। थोड़ा बहुत शोल्डर में पेन वापस स्टार्ट हो गया मेरे, हमारे साथ तो मोए मोए हो रहा है हर जगह पे, हर थोड़ी थोड़ी देर में मोए मोए हो जा रहा है। सोचते हैं क्या थोड़ा खाली रोड मिल गया, थोड़ा आगे जाते तो मोए मोए, फिर सोचते हैं थोड़ा खाली रोड मिल गया, फिर थोड़ा आगे जाते तो फिर मोए मोए, कितना मोए मोए होएगा आज पता नहीं। और ये पूरी लंबी कतार लगी हुई है जाम की, यहाँ पे गैप निकलता है तो निकालेंगे, भगाएंगे गाड़ी को।
थोड़ा कट शट खेलेंगे। चलो भाई जाओ, चल 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 चल, बढ़िया। चलो लो 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 लो, जबरदस्त। फिर मोए मोए, नहीं 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 मारते, भाई साहब गाड़ी से उतर के रिवर्स मार के अंदर घुसा दिया, नहीं तो क्या पता कौन तो कितना और कितना किलोमीटर और वन वे चलना पड़ता। नेक्स्ट लेवल, मजा आ गई मजा आ गई। अहूरा 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 स्वागत है। ओहो मेले में आ गए, मेले में आ गए दोस्त, मेले में। इधर आओ ना, गाड़ी अपना और आएगा। हाय 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 हाय, हाँ अभी और गाड़ी आएगा ना, इसलिए बोला यहाँ लगाओ तो पूरा अपना कवर हो जाएगा इधर पे। चलो भाई गाड़ी का लाइनअप, डुकाटी क्या देखना है, डुकाटी देखना है, हायाबुसा देखना है, बैनिली देखना है, हार्ली डेविडसन देखना है, क्या देखना है, टाइगर देखना है, निंजा देखना है, ZR 10R सब मिलेगा। देखो कुत्ता कैसा भूख रहा है। 1000 CC नो। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए भाई, औरा। 9:15 में हम लोग अहूरा पहुंचे, घर से निकले थे अराउंड, एक मिनट कैमरा निकाल के बात करता हूँ, सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:30 को हम लोग निकले और 9:15 को पहुंच गए। मतलब कितना घंटा लिया हम लोगों ने, घंटे नहीं लिया, सिर्फ टाइम पास करते आए। 4 घंटा कैसे लिया, 5:30 6:30 7:30 8:30 9:00, अरे माँ क्या 4 घंटा लिया हम लोगों ने पूरा यहाँ पर पहुँचने के लिए। अभी भी हमारी 3 राइडर्स लोग हैं जो 3 बाइक्स पीछे रह गई है, हम लोगों ने वन वे मार किया है तो हम लोग थोड़ा जल्दी पहुँच गए, बाकी हम लोग पीछे अटक जाते थे। तो आपने डालना, सो अभी मैं सबका थोड़ा सा एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा। अभी नहीं, अभी तक का क्या एक्सपीरियंस रहा, कुछ नहीं, मज़ा आया ना गाड़ी चला के अपना। शिवम तुम्हारा फर्स्ट मतलब लंबा राइड, इंटर पे मतलब लॉन्ग राइड पहला था, अच्छा लगा ना, मज़ा आ गया। How's your experience? All good, all good. हम लोगों ने तो पहले तो 2-3 राइड अच्छा खासा लंबा लंबा किया, हमने तामिनी गार्ड भी किया है और वो कॉफी भी अच्छा खासा एंजॉय किया था हम लोगों ने। उसमें मेरा प्लैटिना था वो बात अलग है, रोड खराब था इतना पता नहीं था, फिर भी इट वाज फन। रोड खराब नहीं थे, वाहियात रोड थे, ऑफ रोडिंग करते हुए मजा आया हिमालय में। भाई तो हर 2-3 राइड पे खड़े हो जाते, बीच में हर 1-2 किलोमीटर पे बीच में खड़े हो जाते। खड़े होने के चक्कर में एक बार और फंसे हुए हम लोग, हम लोग तामिनी गार्ड गए थे, आवाज जरा अभिषेक अभिषेक ये खड़े हो गए, ऐसा चल दिया 4-5 किलोमीटर आगे। भाई जर्मन ने ना गाड़ी आज भगाया, मानना पड़ेगा दोस्तों, भगाया। एक चोमू राइडर गया अंदर वॉशरूम में, वो आएगा उससे मिलाता हूँ। सो ये रही हायाबुसा, निंजा Mm-hmm.
धक्का को रेला है भाई। अभी जो गाड़ी देखा ना आपने वो थी डुकाटी भाई, वो डुकाटी थी और इतना खतरनाक एग्जॉस्ट उसका, उसका व्हील्स वगैरह जो था पूरा कार्बन फाइबर का था, अलग ही बात है। अगर गाड़ी देखना है, एक से गाड़ी देखना है तो संडे के दिन और आ जाओ, आपको सब गाड़ी देखने मिल जाएगी। ये हमारी गाड़ी या बाइक्स खड़ी है, अभी निकालेंगे सारी बाइक्स। सुनो एग्जॉस्ट नोट सुनो, क्या सुनना है सुनो, भूसा बोलते भूसा। ट्रैम स्ट्रीट 765 ग्रेट। वन मोर भूसा, यहाँ पे भूसा की लाइन लगी हुई है फिलहाल तो। गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं भाई यहाँ पे, बाइक्स ही बाइक्स। मैं अपनी गाड़ी प्लैटिनम अल्ट्रा के सामने भपकाऊंगा, रुक जाओ लोगों को, 160 सेगमेंट में भपकाऊंगा मेरी गाड़ी। इन लोगों के सामने नहीं भपकने वाली। चलो गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं राइड का आगाज। ए इधर से, इधर से, इधर से। मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया। सुबह जब आए थे ठंड लग रही थी, अब वापस जा रहे हैं तो धूप लग रही है, करे तो क्या करे, गाड़ी चलाए या ना चलाए। जब सुबह आ रहे थे तब ये पहाड़ वगैरह हमारे पीछे थे तो इतना सुंदर व्यू नहीं मिल पा रहा था, बट अब हमारे दृष्टि के सामने सब कुछ है, ऐसा लग रहा है देख रहे हैं, देखते रहे बस। सुबह में हमको उस तरफ वाले रास्ते ने बहुत ही ज़्यादा परेशान किया, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। और जितना कंटाल सुबह में गाड़ी चलाने में आया ट्रैफिक को लेकर, उससे कहीं ज़्यादा रोड अभी खुला हुआ है सब बराबर।
ये देखो गाड़ियाँ वन वे में आना चालू हो गई। गाड़ी प्रॉपर लाइनअप पे चल रही है। सबसे आगे है अभिषेक, विनायक, जार्मिया, विश्व और शिवम, मेरे पीछे है जयेश। हो रही, मैं ब्लू कलर का जो ट्रैम्प लिया उसके पहले मैंने सोचा था मैं रेड कलर का लूँगा, बट घर वाले के बोलने पे मैंने ब्लू कलर का लिया और लेने के बाद मुझे ब्लू कलर अच्छी भी लगने लगी काफ़ी हद तक। तो बढ़िया, सबका अपना अपना चॉइस होता है। रेड कलर इज़ ऑल्सो गुड, ब्लू कलर इज़ ऑल्सो गुड, बोथ इज़ गुड। गए 12:26, ऑलमोस्ट हमको पूरे 7 घंटे कंप्लीट होने आए। 5:30 निकले थे, 12:30 हो रहे, 7 घंटे पूरे कंप्लीट हो गए और यहाँ से कुछ वन एंड हाफ आवर्स का और जर्नी बचा है घर पहुँचने के लिए। तो यहाँ पर हो गए 1:50 और हम पहुँचने वाले हैं हमारे घर के करीब। अभी हमें है इस वक्त फ़िलहाल वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे विले पार्ला, यहाँ से बचा है सिर्फ 4 किलोमीटर दूर हमारा घर। हम पहुँच जाएंगे हमारे घर पर और बस थोड़ी देर में हम इस ब्लॉग को करेंगे समाप्त। अगर आपने अभी तक मेरा ब्लॉग पूरा देख लिया है यहाँ तक, तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा ही लगा होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ देख के जा रहे हो विदाउट सब्सक्राइब किए, तो रिक्वेस्ट करूँगा जाते जाते सब्सक्राइब भी याद से कर ले। और एक बड़ी चीज़, आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट, क्या चीज़ अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या चीज़ सुधारना है और क्या चीज़ ऑलरेडी सुधरी हुई है, ये दोनों चीज़ आप कमेंट करके बता दें। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे हमारे अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।